कानपुर देहात जनपद में बिना मानक संचालित हॉस्पिटल की शिकायत जब मुख्यमंत्री तक पहुंची तो शिकायत के बाद जिले का स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया और जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की एक टीम गठित कर हॉस्पिटल की जांच करने के लिए भी आदेश किया। आज स्वास्थ्य विभाग की 5 सदस्यीय टीम हॉस्पिटल में जाँच करने के लिए पहुंची, जिसको देखकर हॉस्पिटल के स्टाफ में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना सर मिले मीडिया जब हॉस्पिटल पहुंची तो मीडिया को देखकर दबंग हॉस्पिटल मालिक अमित कटियार आपे से बाहर हो गए और मीडिया से बदसलूकी भी करने लगे। स्वास्थ्य विभाग की टीम को समझाने के बाद हॉस्पिटल मालिक बामुश्किल शांत हुए। इस हॉस्पिटल के मालिक द्वारा संचालित हॉस्पिटल करने के लिए मानक पूरे किए बिना ही यह हॉस्पिटल चल रहा है। इस हॉस्पिटल में पूर्व में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते कई भी मौतें हो चुकी हैं और कई लोग अपाहिज भी हो गए थे, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंची थी। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्रमुख डिप्टी सीएमओ ने बताया कि हॉस्पिटल की जांच की गई और जांच रिपोर्ट तैयार करके जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंप दी जाएगी और 2 दिन में जांच के अनुसार उक्त हॉस्पिटल पर नियमन कार्रवाई भी की जाएगी। किस तरीके की जाँच की, क्या क्या खामियां मिली है? अभी फिलहाल अनंत राज हॉस्पिटल की जाँच की है हमने और जो मानक होना चाहिए उनके अकॉर्डिंग वो जाँच की गई है। सारे डिटेल्स ले ली गई हैं इसकी और अभी जाके उसके पूरा कंप्लीट करके उसके बाद हम उस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को रिपोर्ट देंगे, वो आपको बताएंगे। प्राइम ऑफ एसी क्या कुछ लापरवाहियाँ मिली अंदर, प्राइम ऑफ एसी की बात करें तो? नहीं, ऐसी कोई मुझे फिलहाल लाइब्रेरी कुछ नहीं मिली है। जांच जो पैनल बना था उसमें सीओ साहब थे, एसडीएम साहब थे, क्या वो क्यों नहीं आया? वो उन्होंने कहा कि इसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, ये आपको निरीक्षण करना है, इसलिए आप जाके निरीक्षण कर लें। सीएमओ साहब ने टीम गठित करी थी, क्या टीम में सभी सदस्य मौजूद थे? हाँ, सभी सदस्य मौजूद थे। कितने दिनों में इसकी जांच क्लियर होके आ जाएगी? ये 2 दिन के अंदर क्लियर होके आ जाएगी। इस तरह से और कानपुर देहात से संभलता आकाश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।